পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক এবং সমাজের জন্য বড় অভিশাপ ই বজ্র অর্থাৎ ইলেকট্রনিক বজ্র। ই বজ্র মুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে উদ্যোগী হলো লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল। শনিবার এক কর্মসূচি সূচনা করলেন তারা। প্লাস্টিক মুক্ত ও বজ্র মুক্ত সমাজ গড়ার জন্য উদ্যোগী হলেও ই বজ্র নিয়ে তেমন হেলদোল ছিল না মানুষের। তবে ই বজ্রই যে সমাজের পক্ষে সব থেকে বেশি ক্ষতিকারক তা বুঝতে পেরে বর্তমানে ই বজ্র মুক্ত বিশ্ব গড়তে নানান কৌশল অবলম্বন করেছে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থা। এবারে সহযোগিতার হাত বাড়ালো লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল। শনিবার শিলিগুড়ি সেবক রোডের একটি বেসরকারি মলের সামনে অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ই বজ্র মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এদিন ডাস্টবিনে বিভিন্ন ই সামগ্রী ফেলে তাদের কর্মসূচি সূচনা করেন লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনালের সদস্যরা। আগামী এক মাস ব্যাপী তাদের এই কর্মসূচি চলবে। সংস্থার সদস্যরা বাড়ি, অফিস বা যে কোনো সংস্থা থেকে অব্যবহৃত সামগ্রী সংগ্রহ করবেন। এই বিষয়ে পিআইডি লায়ন জিএস হোরা জানান, আগামী এক মাস সংস্থার সদস্যরা বাড়ি, অফিস বা যে কোনো সংস্থা থেকে অব্যবহৃত সামগ্রী সংগ্রহ করবেন। তার জন্য ফোন পরিষেবাও চালু করা হবে বলে জানান তিনি। हमने लायंस काउंसिल ऑफ इंडिया में ऑल इंडिया में हमने एक ई वेस्ट ड्राइव लिया है, जिसमें ई वेस्ट के बारे में लोगों को अवेयर करना कि ई वेस्ट जो क्रिएट हो रहा है ऑल ओवर इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में क्रिएट हो रहा है। अभी डिजिटल एज में क्या है, लोग जो इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बहुत फास्ट चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं। हर साल नया मोबाइल आ रहा है, जो पुराने इक्विपमेंट्स हैं जैसे टेप रिकॉर्ड थे, VCR थे या पुरानी टेलीविजन्स, पुराने एयर कंडीशंस, इस तरह की हर तरह की चीज़ें, टेलीफोन्स लोगों के पास जमा हो गए हैं, घरों में इकट्ठे हैं, तो लोग इसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करते हैं, तो इसको या तो कबाड़ी वाला को देते हैं या फेंक देते हैं या जलाते हैं। इससे काफ़ी हैजर्डस जो है, गैसेस जो हैं इसमें, जो इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही हैं। जब इसे मिट्टी में डाल दें तो जो मिट्टी का जो क्वालिटी है ख़राब हो जाता है, जलाएंगे तो इसमें जो गैसेस निकलती हैं वो इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही हैं, या इसको तोड़ते हैं तब भी उसमें जो लेड वगैरह जो निकलता है इससे, जो तोड़ते हैं बच्चे कबाड़ी वाला के यहाँ, उनकी हेल्थ पे इफेक्ट करता है। तो हमने एक ये प्रोजेक्ट लिया है कि रिस्पॉन्सिबली इसको डिस्पोज किया जाए। लोगों से पूरे इंडिया में हम लोग ई वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्ट करके इसको रिस्पॉन्सिबली रिसाइकिल हो। हमने हिंदुस्तान ई वेस्ट के साथ में हमने पार्टनरशिप किया है, वो इसको सारा ले जाएंगे और इसको रिसाइकिल करेंगे। एक साथ हम लोग 150 सिटी में ऑल ओवर कंट्री में इसको हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। कल से ही लॉन्च हुआ है और नेक्स्ट मंथ 13 फरवरी तक हमारा ये प्रोग्राम चलेगा। ये कलेक्ट होगा, हम लोग अलग अलग कलेक्शन पॉइंट दे रहे हैं सिलीगुड़ी में, वे हम सारे वहाँ कोई भी लाके वहाँ दे सकता है और वहाँ से हम सेंट्रल गोडाउन में इकट्ठा करेंगे, सेंट्रल गोडाउन में, वेयर हाउस में, वहाँ से हम डिस्पोज करेंगे। और हमारे हर वार्ड में हमारी गाड़ी जाएगी, हमारे वॉलंटियर जाएंगे और उसमें फ़ोन नंबर दिया रहेगा, जो वहाँ दे देंगे वहीं ले लेंगे, या जिनका फ़ोन आएगा बड़ी आइटम होगी वहाँ हमारे वॉलंटियर जाके कलेक्ट करेंगे, लेबर भी लेके जाएंगे। मान लीजिए किसी के पास फ्रिज है, किसी के पास बड़ी टीवी है, किसी के पास में एयर कंडीशन है बड़ा, इस तरह के आइटम के लिए हम अपने लोग जा कर के वहाँ से उठाएंगे और इस तरह का हमारे हर वार्ड में गाड़ी जाके कलेक्ट करेगी। तो एक महीना पूरा हमारा ये ड्राइव चलेगा। फ़ोन नंबर सेंट्रली फ़ोन नंबर दिया जाएगा, वहाँ फ़ोन करने से बाकी सारे एक्शन लिए जाएंगे।